think you should eat. Oh, gonna tell your name. Oh, gonna tell your name. Oh, gonna tell your name. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितेश और आप देख रहे हो सिटीडियोलॉजी। गाइस, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो यूट्यूबर्स है, छोटा यूट्यूबर्स है जो अपने चैनल में ग्रो कर रहे हैं और जो यूट्यूबर आना चाहता है, अपने यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है यूट्यूब में, उनके लिए खासकर यह वीडियो है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, जो नया यूट्यूबर्स है उनके लिए कुछ 4-5 ऐप्स ज़रूरी होता है अपने मोबाइल के लिए, जो अपने मोबाइल से चैनल चला रहा हो उनके लिए खास करके वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, मैं जितना ऐप्स के बारे में आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में, सारा ऐप्स का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो पहला ऐप्स है वो ऐप्स है मूवीज़ेन। ये जो ऐप्स है वो एक स्क्रीन रिकॉर्डर है, अपने मोबाइल का जो स्क्रीन है वो पूरा सारा का सारा स्क्रीन रिकॉर्ड करता है जो भी एक्टिविटी हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा डेमो दिखाता हूँ आपको मूवीज़ेन का। देखिए, ये जो मूवीज़ेन है आप इससे कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, आप यहाँ में सेटिंग्स कर सकते हो और सारा का सारा यहाँ में ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं और एक बताना चाहता हूँ वीडियो में, इस वीडियो में देखिए, इसका जो कोई भी एक दूसरा आप स्क्रीन रिकॉर्डर ले लेंगे तो उसमें आपको वाटरमार्क मिल जाएगा, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, वाटरमार्क डिसेबल भी कर सकते हो। देखिए, ये जो ऑप्शन है लास्ट का 3 वाला ऑप्शन, वो है डिसेबल, माय ओन वाटरमार्क डिसेबल्ड है, इसको आप डिसेबल करके मतलब आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा ऐप्स है उसका नाम है वीडियो एडिटर। आपके पास एक वीडियो एडिटर होना चाहिए, आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेंगे, स्क्रीन रिकॉर्ड के बाद आपको सीधे वो यूट्यूब में छोड़ नहीं सकते, उसमें आप कोई भी एक एडिट करना चाहते हो, कुछ भी डालना चाहते हो, तो आपके पास एक वीडियो एडिटर होना चाहिए। तो मेरा सजेशन है कि काइनमास्टर जो ऐप्स है, मेरे हिसाब से वो बहुत बेहतरीन ऐप्स है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैं एक बार इसको डेमो दिखाता हूँ आपको, मैं ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए, जो ऐप्स है वो काइनमास्टर है, मैं आपको एक बार डेमो दिखा रहा हूँ। देखिए, काइनमास्टर को ओपन करने के बाद देखिए इसमें कुछ प्लस बटन है, प्लस बटन में क्लिक करके एम्प्टी प्रोजेक्ट में जाएंगे। तो एम्प्टी प्रोजेक्ट में जाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ में आप देखिए, मीडिया ब्राउज़र में जाके आप यहाँ में वीडियो चूज़ कर सकते हो, जो भी वीडियो आपको एडिट करना है, फिर यहाँ में लेयर में से कुछ भी ले सकते हो। तो इस तरह से हम लोग कोई भी वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको काइनमास्टर के बारे में पूरा देखना है तो प्लीज़ मेरा चैनल में जाइए, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा इसका डेमो मिल जाएगा, कैसे यूज़ करते हैं काइनमास्टर को। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था दूसरा ऐप्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं हमारा जो 3 नंबर ऐप्स है उसके बारे में बताने वाला हूँ अभी। जो हमारा थर्ड ऐप्स है वो है वीडियो कंपोज़र। मतलब आप कोई भी वीडियो एडिट करते हो वो कम से कम 300 MB, 400 MB या फिर 1 GB तक हो जाता है, तो उसको हमें थोड़ा कंप्रेस करना है, मतलब इसका बिना क्वालिटी लूज़ किए आप इसको छोटा करना है, आपको बस MB कमाना है। तो MB कमाने का मतलब ये है फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी YouTube में कोई भी वीडियो छोड़ते हो तो आपका जो MB होगा वो बहुत कंज्यूम होता है। अगर आपको 1 GB का जो फाइल है उसको अगर आप 10 MB या 15 MB में अपलोड करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है और अपना MB भी बच जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक वीडियो कंपोज़र होना चाहिए। जो वीडियो कंपोज़र है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए, जो ये वीडियो कंपोज़र है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ अभी, थोड़ा मैं डेमो दिखाऊंगा। तो ये जो हमारा ऐप्स है वीडियो कंपोज़र, देखिए इसमें जाने के बाद आपको यहाँ में से कोई भी वीडियो यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से, देखिए कोई भी वीडियो यहाँ में चूज़ कर लेंगे। ये जो वीडियो है चूज़ करने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इसमें वीडियो कंप्रेस करना है। देखिए, यहाँ में बहुत सारा ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन एक बार चूज़ कर सकते हो। आप यहाँ में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कंप्रेस वीडियो में क्लिक करेंगे तो वो कंप्रेस होना मतलब उसका MB कम ले सकते हैं। यहाँ से देखिए, हाई क्वालिटी में बहुत सारा हमें ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ में से कोई भी एक ऑप्शन आपको लेना है। देखिए, अगर आप इसको 1080 करवाना चाहते हो तो देखिए 480 में बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जो वो आप कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग वीडियो कंप्रेसर यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं अभी जा रहा हूँ जो हमारा फोर्थ ऐप्स है उसके बारे में बताने। फोर्थ ऐप्स जो हमारा है वो है यूट्यूब, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे पास अगर यूट्यूब ना हो तो
चैनल में आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हो, कर सकते हो लेकिन आपके पास एक मतलब ब्राउज़र में जाके करना पड़ेगा। अगर आपके पास यूट्यूब ऐप्स है तो सीधे सीधे आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब, जैसे कि आपको पता है, आपको यूट्यूब कैसे चलाते हैं वो पता है, उसके बारे में आपको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा फिफ्थ ऐप है, वो है यूट्यूब स्टूडियो। आपके पास अगर यूट्यूब स्टूडियो है तो आप अपना जो चैनल है उसमें जितना भी आपने वीडियो अपलोड किया हो वो सारा वीडियो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। ठीक है, मतलब मैं आपको धीमे दिखा दूँ, यहाँ में आप थंबनेल भी चेंज कर सकते हो। देखिए, ये तो हमारा वीडियो यूट्यूब स्टूडियो है, इसको आप अगर ओपन करेंगे आपका जितना भी वीडियो चैनल में होगा वो सारा का सारा वीडियो यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो देखिए, ये जो ऐप्स है इसमें आप कुछ भी वीडियो, आपका जो वीडियो होगा वो पूरा सारा, जितना वीडियो है आपका पूरा यूट्यूब चैनल में जितना भी वीडियो छोड़ा होगा आपने, वो सारा वीडियो का अपलोड यहाँ में दिखाएंगे। और यहाँ में कमेंट भी दिखा सकते हैं, कुछ भी कमेंट करना पड़ता है या फिर कोई भी कमेंट कर रहा होगा आपको, वो वीडियो का कमेंट सभी यहाँ पे दिखाएंगे। और आपका जो चैनल का जो एनालिटिक्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे। देखिए, मेरा अभी एस्टिमेटेड डॉलर है $0.13 है, और यहाँ में आपको जो वीडियो का लिस्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे आपका वीडियो का लिंक, पूरा का वीडियो मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए, यहाँ में पूरा जितना सारा वीडियो है वो पूरा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर यूट्यूब स्टूडियो के बारे में ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ मेरा चैनल में जाइए, वहाँ में मैंने और एक वीडियो अपलोड करके रखा हूँ, वो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सिक्स्थ जो ऐप्स है वो ऐप्स है एडसीन। ठीक है, एडसीन ऐप, अगर आपके पास एडसीन ऐप ना हो तो आपको क्या करना है, मतलब क्रोम में जाके या फिर कोई भी एक ब्राउज़र में जाके आपको ब्राउज़ करना पड़ता है कि गूगल एडसीन करके, और वहाँ पे आपको वो सारा एनालिटिक्स देख सकते हो आपका चैनल का और कितना अर्निंग्स है वो सारा का सारा वहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एडसीन ऐप्स है तो उसके थ्रू आप यहाँ पे भी कोई भी जो आपका चैनल का जितना अर्निंग्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मेरा अभी दिखा रहा हूँ, देखिए एडसीन में ओपन करने के बाद, देखिए एडसीन ओपन करने के बाद आपको बहुत सारा यहाँ में आपको एनालिसिस मिल जाएंगे, एस्टिमेटेड अर्निंग, पेज रिव्यू, फिर इम्प्रेशन क्लिक, पेज CTR, फिर इम्प्रेशन CTR, CPC, पेज RMP, इम्प्रेशन, मतलब जितना ऑप्शन आपको ब्राउज करके मिल जाता है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, एडसीन जो एडसीन ऐप्स है उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो जितना मुझे अच्छा लगा, मतलब मैं जितना भी ऐप्स यूज़ करता हूँ और जो मेरे लिए हेल्पफुल है वही मैं आपको शेयर किया हूँ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस वीडियो के बारे में या फिर कोई भी ऐप्स के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और प्लीज़, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन दबा दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और साथ ही एक बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो मेरा फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे, और उससे क्या होगा, आप कोई भी मेरा वीडियो जो अपलोड होगा कोई भी वीडियो मिस नहीं कर सकेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Have a nice day.